वेलकम टू एजुकेट ऑल इंडियंस। एजुकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था 2015 में उसका पेपर लेके आए हैं। और ये पेपर जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पेपर आप देखिएगा कि किस तरह का पैटर्न, किस पैटर्न पे एग्जाम हुआ था और कैसा एग्जाम पेपर आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 180 क्वेश्चंस आए थे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये सबसे पहले हिंदी था, यहाँ पर हिंदी में ये पैसेज दिया था और इसके कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। ये पैसेज है, आप वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, निशस्त्री करण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, तो ये टू सी पार्ट होगा इसका, जापान पर गिराए गए अणुबम ने। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पेपर का पहले लेबल देखिए किस लेबल का रहा, तब आप लोग तैयारी करिए तो अच्छी रहेगी, कि तब आपको पता रहेगा कि किस लेवल के और कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पेपर को अंत तक देखिएगा, पूरा 180 क्वेश्चंस रहेंगे, पूरा पेपर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा ना कि कहां कहां से कैसे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। आगे आएंगे, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रों को बना रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, तो इसका फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो सिक्स का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, ये आपको बताना था, तो सेवेंथ का डी ऑप्शन सही होगा। एट्थ पर आएंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम बी 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर होगा तेज, तेज क्रिया विशेषण है। आगे आएंगे, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द लिखना है आपको, 10 का सी ऑप्शन सही रहेगा, सहायता। वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए जिसकी आशा न की गई हो, तो 11th का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट पर आएंगे, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान इसको क्या बोला जाता है, तो 12th का बी पार्ट, प्रायद्वीप बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, तो आप इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 4-5 जरूर आएंगे, जिनके पास कुछ ना हो अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अभिभाषण बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे, आदि से अंत तक, तो ए। ठीक है, अद्योपांत नीचे है, इसमें आपको ये बताना है, एक से लेके छः, ये टोटल क्वेश्चन हैं, एक से छः संख्या दी गई है इसमें, तो आपको ये बताना था, इनको पंक्तियों में लगाना है, बीच में चार वाक्यों को उचित क्रम में लगाए गए अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। पहला आपको ये दिए रहेगा, इससे स्टार्टिंग करना है एक से, और ये लास्ट में होगा, इसके बीच में कौन कौन से आएंगे इनको आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक भौगोलिक सीमा में, ठीक है, फिर एक राष्ट्रीय चेतना, फिर इसके बाद ला लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिति ही देश है, ये इसका था सही क्रम। आगे आएंगे, अरे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें आपको बताना बी कारक, बी है संबोधन कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो एड अपादान। ठीक है, चलते हैं, शुद्ध चुनना है इसमें, प्रत्येक इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखे लिखा 1920 में आपको शुद्ध चयन करना है, तो इसमें से कौन सा सही दिया है ये आपको बताना था, तो बी वाला हो जाएगा, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए। ठीक है, और इसमें बताना है कौन सा शुद्ध होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। निम्नलिखित में से चार वैकल्प वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी, इसमें वर्तनी सही करना है। 21 का कौन सा आंसर होगा, बी पृथ्वी सही है, इसमें बताना है वर्तनी शुद्ध करना है, तो 22 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कौतूहल होता है सही।
23 में आना है, 23 का हो जाएगा बी, ठीक है, रासायनिक, ये वाला सही है। 24 में आना है, 24 का हो जाएगा डी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर ठीक है 50 लगभग अगर दोस्त लाइक करते हैं 50 लोग तो बिल्कुल हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, और आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं आगे, इसमें आपको बताना है 25 क्वेश्चन पर कि इसमें कौन सा वर्तनी शुद्ध करने हैं, तो त्रिदोष ये सही होगा, ठीक है। आगे आएंगे हम लोग, नीचे दिए गए तत्सम शब्द का चयन करना है, इन चारों में से तत्सम शब्द बताना है 26 में, तो बी वाला होगा तैल। इसमें बताना है कौन सा होगा 27 में तत्सम शब्द, तो बी हो जाएगा गौ। वाक्यों को अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना है तो ये हो जाएगा समय का। 29 में बताना है 29 का ए, तुमने अपनी, ठीक है। 30 का तुलसीदास, इसमें आपको 30 का पार्ट बताना, 30 का सी हो जाएगा सही, अनेक ग्रंथ, अनेकों ग्रंथ, ठीक है। इसमें अशुद्ध चयन, अशुद्ध भाग का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है। अब इसमें आपको बताना है इनमें मुख्य शब्द के चार अर्थ दिए गए, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करो, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, नाट्यग्रह। आगे आएंगे, ये नहीं है सही है, ठीक है, फिर से बताते हैं, ये नाट्यग्रह होगा। प्रतिघात का आंसर क्या होगा, प्रतिघात का हो जाएगा, इसमें वाला बताना है प्रतिघात का, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिघात में ए, ठीक है, चोट के बदले चोट। आगे आएंगे, त्रिकालज्ञ का कौन सा होगा, 33 का डी हो जाएगा, सर्वज्ञ। ले चला साथ मैं तुझे, कनक ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए, इसमें आपको अलंकार बताना था, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, तो डी है, श्रृंगार रस, ठीक है। आगे आएंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो ए पार्ट था। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है, तो इसमें बताना है कोई, इसमें क्या है, तो ये हो जाएगा सी, सर्वनामिक विशेषण है। विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है, तो 38 का सी हो जाएगा, अद्भुत। आगे आएंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सी, ठीक है, 16। चलते हैं आगे, वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा, उत्साह। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, इसमें विलोम बताना, उपकार का विलोम क्या होगा, सी। अनिवार्य का विलोम क्या होगा, ये बताना है डी, बी और सी दोनों होंगे, ठीक है। आगे आएंगे 43 बी पार्ट, ठीक है, विस्तृत का संक्षिप्त विलोम। उद्यम का विलोम बताना था, 44 का बी पार्ट होगा, आलस्य। 45 पर आएंगे, उन्मुख का विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका बी, विमुख। संधि विच्छेद करना है, ये रूपांतरण, ए हो जाएगा, 47 सी, ठीक है, दु आशा। 48 का बी हो जाएगा, मनह योग, ठीक है, संधि विच्छेद करना। पवन प्लस अन को संधि युक्त करना, यानी कि एक में जोड़ना है, तो बताना है, तो 49 का बी हो जाएगा, पावन। संकर शब्द का अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा डी, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना शब्द। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, तो 51 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, लवण का तद्भव शब्द क्या होगा, तो ये बताना था, तो ये होगा ए, नून। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, इन पंक्ति में रचयिता का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा कबीरदास। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है, ये बताना था, 54 का सी पार्ट, ठीक है, मैथिली। नेक्स्ट आएंगे, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे, तो 55 का ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इसमें बताना था भाववाचक संज्ञा, तो सी हो जाएगा, मित्रता भाववाचक संज्ञा, ता लगा के बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, इसलिए। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, तो 58 का
सी हो जाएगा, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्रिया कौन सी है, जो जो में क्रिया बतानी है कौन सी है, 59 का, ठीक है, सी संबंधवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मैं विशेषण सी होगा, परिमाणवाचक। अब नीचे दिए गए उपयुक्त पर्यायवाची बताना है, मेधावी का पर्यायवाची आपको बताना है तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली। जलनिधि का पर्यायवाची बताना है, सागर। आगे आएंगे अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है, 63 का ए। मरकट का पर्यायवाची बताना है, सी, ठीक है, बंदर होता है। निम्नलिखित कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो बी हो जाएगा आपका आंसर, भी है पर्यायवाची नहीं है, ये बताना था। 19 शब्द में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग हो जाएगा आपका उन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ये बताना, 60 रूढ़ शब्द, डी हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, साप्ताहिक। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग बताना है ए। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको, तो आंख का पानी ढल जाना 71 का सी हो जाएगा। थाली का बैंगन, तो इजी थे, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तलवार की धार पर चलना, डी, कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो इसमें आपको बताना था 74 का डी हो जाएगा इसमें। अंधे के हाथ बटेर लगना, सी हो जाएगा। आपात को बड़ी सफलता मिलना, ठीक है, आपात्र को बड़ी सफलता मिलना। पंचानन में कौन सा समास है, ये बताना था, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बहुब्री। आगे आएंगे 77 पर। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, तो ए हो जाएगा इसका, तत्पुरुष। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, में अलंकार, बी, यमक। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, सी। आगे आएंगे सही शब्द में समास का भेद बताइए, बी पार्ट, ठीक है, सत सही, सात जहां पे नंबर आते हैं वहां पे देखो। आगे आएंगे 81 पे। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, ठीक है, केरल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो 83 का। अब यहां से जो 80 से स्टार्ट हो गई, यहां से, ठीक है, ये मैम अब हिंदी हो गई 80 तक, 1 से लेके 80 तक पूरी हिंदी आई थी, और 81 से अब जीके शुरू है यहां से, ठीक है, तो 83 पर आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये 83 का ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है, डी। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य होता है ए। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, ये पूछा गया था, मत्स्य पुराण। आगे आएंगे, आगे 90th क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, तो ये पूछा गया था मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 92 का ए पार्ट, उत्तर प्रदेश। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, 93 डी पार्ट। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, सॉरी, ये चंद्रप्रभा, ये तो चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य से में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार आपको खेलकूद से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो 94 का भारत कोकिला के नाम से कौन जानता है, सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये पूछा गया था बी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित किसको देता है, तो 96 का सी पार्ट।
हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट पर आएंगे, वर्तमान में भारत का कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? ये पूछा गया था डी 12वीं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये हो गई 98 डी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, ये 2015 का जब पेपर था तब का है। ठीक है, तो अब इस समय 13वीं है। आगे आएंगे हम लोग 100। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो 100 बी। नेक्स्ट आएंगे बेंगलुरु। इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो यह है नीति आयोग। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? 102 ए पार्ट। ठीक है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का जो सदस्य होता है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 2014-15 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा को। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति का कार्य करता है? तो ये बताना था 105 का सी पार्ट। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग गलनांक बोलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सी पार्ट। ठीक है, 2 जनवरी 2014 में। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो ये बताना था डी। ठीक है, मुर्गा। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? ये पूछा गया 109 सी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग तक। आगे आएंगे, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया? ए पार्ट। ठीक है, डेसिबल 80 से अधिक पर शोर होता है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? 111 ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे आएंगे, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो 113 का सी पार्ट, श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? तो ये भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालचारी को। एक आया था, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो 116 क्वेश्चन का डी आंसर, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में किसका योगदान नहीं होता है? तो किसका योगदान नहीं होता ये बताना था, वृक्षों का। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल रहा था 1489 से 1517 तक। अतीत के चलचित्र किस लेख द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? डी, महादेवी वर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है, फॉरेस्ट एरिया है? तो कितना भाग है, तो फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम है तो फॉरेस्ट से क्वेश्चन 2-3 जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, 122 10.8। ठीक है, 123 पर आएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 123 का बी पार्ट है, नोएडा में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो यह है राधा कृष्णन। ठीक है, हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर राधा कृष्णन को जाता है। नेक्स्ट आएंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 मई 2015 में एक नई योजना के अंतर्गत बसों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हेतु VRS प्रणाली द्वारा टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है? तो 126 का ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 149 ये टेलीफोन नंबर है, 149 पे कॉल कर सकते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बी। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? तो 128 का बी पर,
लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 2016 में विश्व 2020 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित होनी है? तो ये पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो ये बी पार्ट है, ठीक है, भारत में होना था। नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130 में बी पार्ट होगा, द्वितीय स्थान है चावल उत्पादन में, ठीक है। आगे आएंगे, अब यहाँ पे आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में 131 में आते हैं, तो 131 का डी आंसर इसका सही हो जाएगा, 70, ठीक है। नेक्स्ट पर आएंगे, अब इसमें बताना था 132 का आंसर कौन सा होगा, सी 78 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर देना है, ठीक है, बस यही लिखना है यहाँ पर। चलिए बी, ये बताना था कि 20 से 60 तक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं और जिनके 2 अंकों का कुल योग 9 है? तो आपको लिख लेना है, बस देख लेना है, ये लिख कर ही करेंगे, दोनों संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो 9 भी होना चाहिए। चलिए तो इसका हम आंसर बता देते हैं 133 में, ठीक है, 4 संख्याएं होंगी, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 6 है, यदि एक संख्या के अंकों का स्थान परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त हुई संख्या नई संख्या के पहली संख्या के बीच का अंतर 18 हो जाता है, यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इस मैथ्स का क्वेश्चन था ये, तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, ये सॉल्व करिएगा जाके, इजी क्वेश्चन था सी 42, ठीक है। यदि ए का आशय ये है मल्टीप्लाई, बी का आशय डिवाइड है, सी का आशय प्लस है, 4 का आशय माइनस है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, बताना था, यहाँ पर वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये डी है, आगे आएंगे हम लोग, डी का मतलब माइनस होगा, तो डी की जगह पे माइनस लिखेंगे। यदि बी, इसका आंसर बता देते हैं, आंसर टिक कर लीजिएगा, यही होगा, ठीक है, सी। यदि बीते हुए कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? ठीक है, 136 में, ठीक है, तो ये बुधवार हो जाएगा। महीने का प्रथम दिन बुधवार है और यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है तो उस महीने का कार्य दिवस की संख्या कितनी होगी? यदि महीना 30 दिन का है तो कितने दिन ऑफिस खुलता है, ये बताना था, तो ये होगा 24 दिन। अब बताना है, इस दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। आंकड़े देखते हैं, ये दिया है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को निरूपित करता है, ये वृत्त जो है ये कॉलेज के प्रोफेसर है, ठीक है, और त्रिभुज जो है शल्य चिकित्सक, ये शल्य चिकित्सक हैं, ठीक है, और आयत जो है वो चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। तो आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को नियुक्त करता है, निरूपित करता है जो चिकित्सक चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है, कॉलेज प्रोफेसर होने चाहिए और चिकित्सा विशेषज्ञ भी होने चाहिए, तो ये बताना था कौन सा निरूपित करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो 138 का बी हो जाएगा। आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सकों विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सक विज्ञान भी है किंतु प्रोफेसर नहीं, यानी कि ये सर्किल वाले के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो काट देंगे इसमें, ठीक है, तो दोनों में होने चाहिए, इस रेक्टेंगल में होने चाहिए, ट्रायंगल में भी होना चाहिए, तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे पर, सी आंसर सही हो जाएगा इसका, ये आपको इसमें बताना था, ठीक है, 140 में बता देते हैं, देख लीजिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए अन्य तीनों से भिन्न है, जो आपको इसमें बताना था, ऑड बताना था, कौन सा तीनों से भिन्न है, 141 का सी पार्ट। आगे आएंगे, इसमें बताना था कौन सा तीनों से भिन्न है, ए तोता, इसमें बताना कौन सी तीनों से भिन्न है, स्पर्श रेखा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को इतना लिखा जाता है तो फॉग को इतना लिखा जाता है तो मॉब को कितना लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये वाला उल्टा लिखना था। जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे है, सी आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन से है। ये आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, ये बताना है, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 4, ए 6, सॉरी ई होता है, डी 5 होता है ना, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की 12, डैश
फिर कह रहा है एस, ठीक है 19 होती है, तो यहाँ पर बताना था कितने के बाद है, तीन, फिर चार, फिर यहाँ पे देखो तीन का अंतर है, पाँच हुए ना, फिर आई नौ, चार का अंतर हुआ, फिर तीन का अंतर हुआ, ठीक है, फिर आपको बताना था इसके बाद कौन सा होगा, 146 का ए होगा, ठीक है, फिर चार का अंतर होगा, तो इस तरह से करना था, पी होगा। नेक्स्ट आएंगे, एक ध्वनि को संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया है, उसे 64 छोटे खानों में विभाजित करने पर अलग अलग किया जाता है, बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी सतह पर रंग नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 147 का ए पार्ट। 148 पाएंगे, एक शीशे को देखने से पता चलता है कि घड़ी 1:30 हुए हैं, तो बताओ बताइए सही समय क्या था, तो 148 का डी आंसर सही हो जाएगा, 10:30। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से एक तार्किक क्रम को लिखना है, 149 का सी पार्ट, ठीक है, इसमें से तार्किक क्रम को लिखना था, तो ये सी हो जाएगा, लाइन से लिखना है आपको, उसमें एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, ये सारे लाइन से लिखना है। एक्स हफ्तों और एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे, तो बताना था एक्स हफ्ते हैं एक्स दिन है, एक्स हफ्तों और एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 8x। निम्न श्रृंखला में से गलत संख्या का चयन कीजिए, तो इसमें आपको श्रृंखला में से गलत बताना था कौन सी रॉन्ग है, तो 151 में आपका ए सही हो जाएगा, दसवां वाला, ठीक है। चलते हैं आगे, पांच लड़कियों में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है, राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी, बताइए पांचों में से कौन छोटी है, तो इसमें हो जाएगा आपका 152, सी पार्ट सही हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। रवि और किशोर के कक्षा के ऊपर से 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ, यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हैं तो नीचे से कौन सा स्थान प्राप्त होगा, 153 का बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे आएंगे, ठीक है, 154, तो ये बताना था एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, ऐसे जाता है, ये यहाँ पर है 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ पे गया 16 मीटर और जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं तो बायां किधर होगा इसका, इधर की तरफ, और 5 मीटर चलता है, ये 5 चला, और इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है, इसके बाद ऊपर चला और 7 मीटर चला, और फिर दाएं मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है, फिर इसके बाद बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, ठीक है 9 मीटर, तो 9 मीटर चलता है, यहाँ तक आ गया 9 मीटर चलता है, इस समय वह अपने पहले वाले स्थान से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है ये दूरी निकालनी है आपको, ठीक है, तो 5 ये और 12 ये, 12 5 17 मीटर हो जाएगा उनका आंसर, इस तरह से करना है। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आंसर बताते हैं, एक कूट भाषा में ए बी सी डी को अगर इतना लिखेंगे, ई एफ जी को इतना लिखेंगे, तो कूट भाषा में इसको कितना लिखेंगे, 155 का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है सॉल्व करिएगा आप लोग, इसमें आपको 156 में आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, आप लोग यहां से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 157 ए पार्ट, ठीक है ये सही हो जाएगा, इसका चौथा वाला होगा, ठीक है। आगे आएंगे, इसमें वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों को योग से दोगुना है, तो 158 का सी पार्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ 159 पे आएंगे, 159 का ए पार्ट सही हो जाएगा, पूर्व की ओर ये क्वेश्चंस लिखा है, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। यदि 31 में से 60 तक की सभी संख्याओं में से ऐसी सभी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हों अथवा 3 में से 3 को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हों, हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचती हैं, ये बताना था, 160 का बी पार्ट सही हो जाएगा। जो संबंध तंग और चौड़ा में होता है वही संबंध पतला में किससे होता है, 161 का बी पार्ट, ए बी सी ये बताना था, ठीक है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है तो ध्यान दीजिएगा, ए ए के बाद जे आया है, 9 अंतर आया, 9 9 बढ़ रहा है सब में, तो वैसा यही लॉजिक लगा लीजिएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट सही हो जाएगा, नौ नौ बढ़ाना है, 11, 17, 19, 30, 100, तो बी वाला सही हो जाएगा इसका, 129 है, ठीक है इजी है, कर लीजिएगा। 3, 10, 5, 164 का डी सही हो जाएगा इसका, ये आपको बताना था यहाँ पर क्या होगा, 165 का ए सही हो जाएगा इसका, जीवन मृत्यु आशा इसमें 166 में बी सही होगा, ठीक है निराशा होगा, इसमें उचित क्रम में लगाना था इसको, तो उचित क्रम में लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए, पहले तीसरा होगा लखन, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पांचवा भारत, फिर ब्रह्मांड, फिर इसके बाद आपका दो संसार। आगे आएंगे 168 का डी, ठीक है ये सही करना है आपको, यहाँ पे बताना है क्या होगा। नेक्स्ट आएंगे निम्नलिखित अक्षर संख्या संयोजन श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो 169 का ए पार्ट सही हो जाएगा इसका, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे बताना था 170 में डी, ये सही हो जाएगा। एक सीढ़ी पर पांच लड़कियां बैठी हैं, सरला चित्रा से ऊपर की ओर बैठी है डी तथा पर डेजी से नीचे है, विमी सरला और चित्रा के बीच में है, डेजी अनु व सरला के मध्य में है, सबसे ऊपर कौन है ये बताना है, 179 बी का पार्ट, ठीक है। एक व्यक्ति आयु में अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है और उसकी आयु उसके पुत्री की आयु से 4 गुने के बराबर है, यदि आज से 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु 16 वर्ष है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु बतानी थी, 172 का सी पार्ट सही हो जाएगा आपका, ओके। इसको क्या करना, नीचे विकल्प में विषम बताना है, इसमें कौन सा विषम होगा, तो 173 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा, 84 इसमें आपको विषम बताना है, ठीक है सी आंसर सही हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर आपको ये 9 फिर 8 फिर 6 4 ऐसे लिखा है, ठीक है तो यहाँ पे बताना निम्न श्रृंखला में से ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले दो सम संख्याएं हैं, ठीक है जिनके पहले दो सम संख्याएं होनी चाहिए, तो इतनी कितनी है, 175 में ए हो जाएगा, दो हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इतने 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 श्रृंखला के समतुल्य है, जैसी ये लिखी है वैसी ही इसमें कौन सी है ये बताना था, तो ये डी वाला है। नेक्स्ट पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष 3 युग्मों से भिन्न अथवा विजातीय है, तो 177 का डी, वह मेरे जन्म जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु 23 वर्ष थी, उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ उस समय मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी, मेरे माता पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 178 का बताना है आपको कितना आंसर होगा, ठीक है तो ए हो जाएगा इसका आंसर, 5 वर्ष। अब यहाँ पे आपको ये बताना था इसकी जगह पे क्या होगा, ठीक है सी आंसर सही हो जाएगा, 92। यहाँ पे आपको प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर आपको बताना था क्या होगा, ठीक है सॉल्व करके इसके साइन चेंज कर देना फिर सॉल्व करना है, ठीक है माइनस वन आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है फॉरेस्ट गार्ड का, क्वेश्चन को पहले पूरा देखिएगा फिर सॉल्व करिए उनको कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद दोस्तों।